आपने एल्गोरिथम में क्या लिख दिया एम वाई एल आई टी एन जो भी है माइलिन बोलते हैं ये माइलिन है समझे आप बिजली के तार देखो तो ये बिजली का तार है इसमें उधेड़ोगे तो अंत में आपके हाथ तांबे के तार आते हैं एल्युमिनियम का और जो इसकी खाद पाड़ी आपने है वो माइलिन सिद्ध है सकता हूं यदि इसके ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग है ये जब हम तंतुओं की बात कर रहे थे इन्हीं की जो हमने अभी साफ किए थे इनके ऊपर एक शीट है टिश्यू की वो शीट जब वो कवरिंग जो है और डिटेल में डायग्राम लेंगे आप लेकिन थोड़ा सा लगे से बता रहा हूँ बात क्या है पकड़ना लगे ये इसको ये जो पूरा श्रृंखला बनेगी इसको हम दबाव में नर्व कहेंगे न्यूरॉन मिलते जाएंगे तो धागे जैसी संरचना जो बन जाएगी वो नर्व फाइबर बन जाएगी आपकी और फिर उसका बंडल बन जाएगा और फिर ऐसे तारों में और उनके ऊपर भी शीट ये शीट वही काम कर रही है जो ये करती है ये क्योंकि ये ही वो काम कर रहे हैं जो वो तार कर रहा है मेटल का इसमें जो तांबे का तार है वो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करता है इसके अंदर भी दोनों तरह से इलेक्ट्रिक इंपल्स प्लस केमिकल का दोनों का बायो केमिकल दोनों मिलके एक इंपल्स ट्रेवल करती है जो मसल्स है यानी ग्राही ऑर्गन्स है ब्रेन तक जाती है ब्रेन से वापस जो एक्शन में आनी है मसल बाहर तक आती है समझ गए बिजली का करंट है वो आगे में जाएगा पूरा समझ लीजिए आप सो रहे हैं सोते सोते आपके यहाँ पर काटता है आप बिना उठे क्या एक्शन ले सकते हैं बताइए सबके न्यू मालूम पर अच्छा जागते मारो तो मत टूट जाएगा सोते और किस से लगा सकते हैं भी अब देखिए आपको इस घटना को बहुत ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं तो पार रखना है मच्छर ने ग्रहण का था यहां ये नहीं हिला कौन हिला जब यहां से इंपल्स के यहां इसने जवाब में सोचा कि ये कोई एक्शन ले सकता ना तो न्यूमा सकता ना कुछ आपको कुछ सकता है ये इसके लिए प्रॉब्लम से ऐसे कमा रहता हूँ तो मैं कहीं पर पढ़ता हूँ ना बात की परेशान करती हो उससे बुला भगवान पर कुछ जल्दी मिलाए आराम कुछ मारे जाए ये इंसुलेशन का काम करती है क्योंकि इनमें से भी करंट जा रहा है डिटेल में पढ़ेंगे तो उतार से नोट बनाया और कंप्यूटर और इस तरह की चीजें लेकिन मोटे तौर पे क्या कर रही है बिजली के करंट का लॉस ना हो और वो इसी के अंदर रहे और आपस में मिले नहीं तो ये नहीं होगी तो जो बिजली वाले प्रोड्यूस करते हैं सिस्टम लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के एक पावर हाउस से इतनी चलेगी तो घर में जाने तक कितने करंट है वो पहुंचेगा तो सिस्टम लॉस बोलते हैं इसको ये सिस्टम लॉस होने के लिए नेचर ने क्या करता है इंसुलेशन प्रदान करता है और ये इंसुलेशन इस शीट से होता है वो माइलिन शीट है और इस प्रोसेस को माइलिनेशन बोलते हैं लेकिन खास बात यह है कि माइलिनेशन जन्म से पहले शुरू होके और जन्म के बाद कई वर्षों तक पूरा होता रहता है माइलिनेशन यानी इंसुलेशन की प्रक्रिया जन्म से पहले शुरू होती है गर्भ के अंदर लेकिन जब उनके समय पूरी नहीं हो जाती वैसे तो बहुत सारी चीजें पूरी डेवलप फॉर्म में नहीं बनती सिर्फ साइज बनता लेकिन ब्रेन के अंदर जिसको हम ग्रोथ ऑफ ब्रेन कहते हैं वो ग्रोथ का एक फैक्ट्री है माइलिनेशन कंप्लीट अगर माइलिनेशन कंप्लीट नहीं है तो क्या होगा जो सूचनाओं की प्रोसेसिंग है एक्सपीरियंस अनुभव हो गया अनुभव में क्या आ रही है बहुत सारी सूचनाएं आ रही है अपने एक्सपीरियंस के अंदर उन सूचनाओं को आपस में फिट करके और अपने ब्रेन का स्कीमा चेंज करना है ताकि नया पैटर्न दिमाग में बने
उस प्रोसेस में क्या हो रही है, सर्विसनेस आ रही है, तो उससे क्या होगा, स्लो प्रोसेसिंग। आप एक बच्चे को बोले एक सवाल कि एक खास प्रजाति जाति के लोग हैं एक गांव में रहते हैं, उनकी जनसंख्या 1000 है, एक दशक के अंदर उस स्थान पर 10 रेप हुए, एक बस्ती थी जातों की, उस बस्ती में 1999 की उम्र है, 2000 की पॉपुलेशन थी, उस बस्ती में 10 रेप हुए, तो अगले 20 वर्ष के अंदर यदि पॉपुलेशन 4 गुना बढ़ गई तो कितने रेप हुए? बच्चा तुरंत 5वीं का आपको बता देगा कितने हो गए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ पॉपुलेशन है 2000, आपको कह रहा है कि यहाँ से और यहाँ जाने तक ये पॉपुलेशन डबल हो गई, यानी आप ले कह रहे हैं कितनी पॉपुलेशन, इतनी यहाँ पॉपुलेशन भी कम जो है 10 रेट हो गए, आप कितने रेट हो गए होंगे, ये बड़ा का कहा है, ये बच्चा बड़े के दिमाग में है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को एक साथ मिलाकर देखता है, इंसान के बिहेवियर को, प्रोबेबिलिटी को, पढ़ाई को, लिखाई को, पता नहीं क्या क्या दिमाग में आ रहा है, इसलिए वो नतीजे पर जल्दबाजी नहीं कर रहा है, लेकिन वो सब तुरंत करके एकदम 10 बच्चे आ जाएंगे 20, उनको दिखाएंगे कारण क्या है, ये इसका मतलब ये नहीं कि वो फास्ट प्रोसेसिंग कर रहा है, वो स्लो प्रोसेसिंग कर रहा है, क्योंकि एक चीज को लेके तो फास्ट है, लेकिन उसको फैक्टर जो अफेक्टिंग है वो उतने फैक्टर्स पे एक साथ एक समय में जवाब नहीं लगा। तो फिर जो एकेडमिशियंस हैं वो ये कहते हैं कि ये दिक्कत होने के कारण बच्चा जो है वो नहीं कर पाएगा तय, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये चीजें कितने छोटे टुकड़ों में देनी होगी कि वो हर टुकड़े पे अलग अलग काम लगा पाए, यानी जो इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हैं वो पीसीज में और चंक्स में सप्लाई करनी पड़ेगी, एक पीस पे एक बार में बात कर सकता है, मान लीजिए कि दिन में आपने जमा 50 गुना और भाग सका दिए तो आपने जो सारे साथ में, तो किसी एक कक्षा के अंदर जमा या किसी एक महीने में जमा, फिर घटा, फिर गुणा, फिर भाग, लेकिन अगर तो आगे कौन सा महसूस कर सकते हैं, तो कह ही रहा हूं मैं कि उसके इस कारण से ये प्रोसेसिंग स्लो है, और इसके कारण यदि आप इससे ज्यादा चीजें पूछने की कोशिश कर रहे हैं तो ये उलझ के खड़ा हो जाएगा, ये एक को भी नहीं सुनते, ये टीचर को समझानी कि आप कर क्या रहे, आप जल्दबाजी में हैं कि मैं साल में 3 बार सिलेबस करा दूं, इसलिए जल्दी करा रहे हैं, आज ये भी कर ले, आज ये सही भी कर ले, आज ये भी कर ले, एक यानी एक समय पे एक चीज, फिर अगले वो सीख ले दूसरी चीज, एक बच्चा जब विद्यालय के अंदर आता है 5 वर्ष की आयु में, तो उसके पास 2000 से 7000 तक एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, अंदाजा है बहुत वेग अंदाजा सटीक नहीं है, इससे कम भी हो सकते हैं, इससे बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो 80% पे एप्लीकेबल है उसका सामान्य करियर जनरलाइजेशन कर लेते हैं, तो जब 2000 से 7000 की रेंज में एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ schema in the brain of that particular child will be approximately in this range. यानी मैं ये कह रहा हूँ कि उसके दिमाग में कितने possible pattern बन सकते थे आपने उसकी गणना की। अब हम ये देख रहे हैं कि जब विद्यालय में आ रहा है उस वक्त, और आप जानते हैं हमने जो समस्या लिखी थी उसमें एक बड़े पॉइंट लिखा था स्पेशली दूर ज्ञान के बारे में, हम उसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि वो पूर्व ज्ञान कैसे रोल प्ले करता है सीखने सिखाने में, और शिक्षक के दौरान शिक्षक को उसका क्यों ध्यान रखना पड़ेगा। ये 2000 से 7000 एक्सपीरियंसेस हमारा चैलेंज, हमारा है
शिक्षक की चुनौती है कि इनका क्या करें, क्योंकि ये सीखने में बाधा होते हैं, सीखने में बाधा होते हैं। लेकिन यदि शिक्षक अवेयर है और इन बातों पे चर्चा आपसे कर लेते हैं तो ये सीखने में सहायता करते हैं। तो ये डिपेंड बच्चे पे नहीं करेगा कि ये जो स्कीमा है ये उसे सीखने में बाधा करेंगे या उसकी सीखने में सहायता करेंगे, बल्कि किस पे निर्भर करेगा, शिक्षक की कैपेसिटी पे निर्भर करेगा, उसके ज्ञान पे निर्भर करेगा कि वो इनका प्रयोग करता है या दुरुपयोग करता है या इग्नोर करता है। कैसे करता है? मान लीजिए एक बच्चा भगवत में आस्था रखता है और पांचवें साल तक के बच्चे से हम जो प्रतिकूल लगवाते हैं, खासकर मेल से बड़े बड़े जो आपके त्योहार आते हैं वहां हमारी परंपराएं ऐसे निर्मी बात कहेंगे कि ना तुमने लाओ छोड़ नया कर ये बाप है वो मेल है वो जो लगाए। अब उसके दिमाग में उस जोत की वजह से धार्मिक कोई सोच बनी हुई है, क्योंकि जोत लगा रहे हैं किसी से मुरादे मांग रहे हैं तो कोई ऐसी शक्ति है जो इंसानों से ऊपर है और हम उससे शासित हैं। यानी उसकी धार्मिक सोच के बारे में उसका कोई एक या एक हजार सीमा बने, उसमें एक ये बन गया उनके तौर पर कि कोई परालौकिक शक्ति है जो इहलोक और परालोक में फर्क करती है और उसके पास हमें हम पर शासन करने की हमें चलाने की ताकत है, उसके पास क्या क्षमता है। दूसरा इसी के अंदर उसको ये पता है कि मंगलवार को क्या करते हैं, शनिवार को क्या करते हैं, सोमवार को कौन सी माता का व्रत होता है, शुक्रवार को कौन सी माता का व्रत होता है, किस दिन माताएं बात नहीं होती है, किस दिन नाखून नहीं काटे जाते, किस दिन नाई की दुकान बंद रहती है। ये सारी चीजें बच्चे के अंदर नए सीमा इस धर्म के रेल के अंदर, इस धर्म के साम्राज्य के अंदर बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न बना देते हैं एंड हिज माइंड इज ऑक्यूपाइड विद ऑल दिस की। अब ये वो है जो उसके औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने के आने से पहले उसके वातावरण ने उसको दिए। अब एक विज्ञान का शिक्षक उनको कहता है कि ये प्राकृतिक फोर्सेस हैं, भौतिक हैं और ये हमें गवर्न करती है। वो उसको याद करता है कि हवा का रूप कैसे बनता है, कम दबाव के कारण क्या होता है, हवा बंद हो गई फिर तेज क्यों आती है, बारिश कैसे आती है। इससे पहले उसके दिमाग में क्या था कि बारिश हवाओं का चलना आंधी बाढ़ ये कौन लाता है, ईश्वर ले। अब वो बच्चे को डांट रहा है, अगर वो कहे कि ऐसे अक्सर सवालों के अक्सर जवाब मिलते मैंने देखे, मैंने बहुत जल्दी में एक मॉडल लिया, छठी कक्षा में गया, मैंने कहा प्यारे बच्चों आज मैं आपको दिल हृदय के बारे में पढ़ाऊंगा, हृदय यानी दिल, दिल जानते हैं सब बच्चे जानते हैं, जानते हैं। मैंने कहा कौन बताएगा कि दिल क्या करता है, एक सबसे पहले उदाहरण दिल क्या करता है। क्यों कह रहा है, क्योंकि उसने फिल्मों में सारे कामों में सारे डायलॉग्स में यही सुना है कि मैं दिल दे बैठा, मैं दिल ले बैठा, मेरा दिल टूट गया, मेरा जुड़ गया, मेरा बड़ा हो गया, जबकि दिल का कोई लेने देना नहीं है। वो ये भी सीखता है कि अगर काम दिल से निकल गया तो हमेशा दिमाग की सुन लो। मुझे नहीं पता बात लोग ये जानते हैं कि नहीं कि दिल एक मोटर है जो पंप करने का काम करते, फिल्ट्रेशन भी दिल नहीं करता। तो वो प्यार कर सकता है या वो दयालु है, बेनेफिट है, ऐसी चीजें विज्ञान ने कहा। इसी प्रकार से ईश्वर की सत्ता को भी विज्ञान ने कहा है। लेकिन वो बच्चा क्योंकि कहीं और से ऐसे दोष लेके बैठा है, अब बच्चा उसने कहा कि दिल प्यार करता है दो तरीके, एक तो मैं उसे ये कह दूं कि चुप हो जा पापा, क्या नुकसान हो गया, टीवी पे लगा रखे हैं, आज के बाद मत बोलना, ये दिल पहले क्या करता है, हृदय जो है वो रक्त को
पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाता है, तो वहां से लेकर फिर फ्लोर पहुंचाता है, रक्त का परिसंचरण तंत्र बना के देता किया क्या है। असल में होना तो ये था कि ये वाला जो सीमा जो दिल की फंक्शनिंग के बारे में पहले से बना हुआ था, जिसको प्रायर नॉलेज या पूर्व ज्ञान कह रहे हैं, इसको नए वाले को तीन चार चीजें करनी थी। तो जीन क्या जगह कही, क्या क्या करनी थी, अडॉप्ट करना था, इक्विलिब्रियम में लेके आना था, इसी तरह के दो तीन चीजें वो लिखते हैं, एसिमिलेट करना था, एसिमिलेशन लिखते हैं, और एकोमोडेट करना था। ये चार चीजें कह रहे हैं, ये ओल्ड स्कीमा से न्यू स्कीमा, पुराने ज्ञान से नया ज्ञान बनने के लिए लगभग इस तरह के काम करने पड़ते हैं। असल में वो क्या कह रहे हैं, जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो क्या मेहमान आते ही नया कमरा बनवा देते हैं उसके रहने के लिए? तो आप असल में क्या करते हैं, ये सारी चीजें तो करते ही करते हैं, अंत की क्रिया क्या है, आप ये करते हैं, अकोमोडेट करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 200 व्यक्ति ही बैठ सकते हैं, एक व्यक्ति और आते हैं, क्या आप नया हॉल ले लेंगे किराए पे? ना, क्या करेंगे, एकोमोडेट करेंगे। तो हम कर क्या रहे हैं, उसी हॉल के अंदर एकोमोडेट कर रहे हैं एक कैपेसिटी का। अब इससे आगे सोचिए कि एक व्यक्ति सुबह आए, टोटल संख्या हुई 120, वो दोपहर को चले गए, संख्या रह गई 119, दोपहर बाद नए व्यक्ति आए, संख्या फिर से 120 हो गई। यदि ये 10 दिन का कार्यक्रम हो और इस तरह का प्रोसेस अलाउड हो, तो आप 10वें दिन देखेंगे कि जो पहले दिन 120 थे वो नहीं है लेकिन 120 ही है। मैं क्यों कह रहा हूं, इसे समझ लीजिए, एक आपका स्कीमा या वेब ऑफ स्कीमा जो था, वो वेब ऑफ स्कीमा जो है निरंतर डायनेमिक तौर से मेंटेन है, ये स्कूल या फिक्स नहीं है। इसके अंदर नया एक्सपीरियंस आता है, तो जो वेब ऑफ स्कीमा है, जो जाल है, उसके अंदर एक स्कीमा जो है, एक पैटर्न जो है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, टूटा नहीं, ध्वस्त नहीं हुआ, थोड़ा सा मॉडिफाई, थोड़ा मॉडिफाई होकर न्यू लर्निंग उसके अंदर एड हो गई, दूसरे में भी होगी, तीसरे में भी होगी, चौथे में भी। आप 20 साल के बाद भी अगर कोई मैपिंग संभव हो, तो आप ये देख सकते हैं उसके अंदर अभी भी जो स्कीमा का नंबर है, से एक बार 270 एडेट तक हो सकता है, 20 साल में पूरे स्कूल के बाद भी ये 270 भी हो। क्या इसका मतलब ये है कि नया ज्ञानार्जन किया है, और बल्कि ज्ञानार्जन सही तरीके से किया है, अन्यथा इसकी संख्या क्या हो सकती, 540 हो सकती थी, और वो व्यक्ति एक बहुत ही कंफ्यूज पर्सनैलिटी हो सकता था। राजेश ने एक एग्जाम्पल याद दिलाया कि जब पहला स्पेस शटल छोड़ा गया, स्पेस शटल को पहले शनि के मंदिर में चढ़ाया गया, जब प्रसाद नारियल तोड़ना, देखिए एक प्रकाश का है विज्ञान की, कि वो एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे इंसान को भेजने की एक लाइन बना रहे थे, एक बस बना रहे थे, और दूसरी तरफ प्रकाश का है धर्मांधता की, कि हम उस पर भी नारियल तोड़ रहे हैं जो कि टोल मैकेनिकल है। ये क्यों है, ये इसलिए कि ये हुआ ये नहीं हुआ। क्या कह रहा हूं मैं, जब शिक्षक नया ज्ञान देगा, नया ज्ञान देगा, तो अगर उस ज्ञान को बिना उसके खुद के पुराने स्कीमा में एकोमोडेट किए फिक्स कर देगा उसके दिमाग में, रखवा देगा उसके दिमाग में, तो वह एक ऐसा व्यक्ति बनेगा जो वैज्ञानिक तो है लेकिन दर्द है। रोहतक में घटना होती है, बीआरबीपी डॉक्टर ने अपने दोनों बच्चे मार दिए, याद है किसी को, एक इंटेलिजेंट था, दूसरा इंटेलिजेंट नहीं था, किसी तांत्रिक ने कहा इसका खून में गड़बड़ है, इसका खून इसमें चढ़ा दो, वो चढ़ाने से वो भी मर गया, खून की कमी से मर गया दोनों बच्चे, वो दोनों जेल में। ये बहुत बड़ी उदाहरण था इस डुअलिज्म का, इस कंफ्यूजन का। बच्चा कंफ्यूज है, बच्चा कह रहा है धरती कैसी है, फ्लैट। टीचर क्या कह रहा है, देखे बच्चे सिखा, तीन दिन से बात करो धरती कैसी है, वो रहा है वो कह रहा है पुराना नहीं पूरा, तो उसको तोड़ने के
वो देखिए एक एग्जांपल में इनकी बात को मैंने लिखा था, तो यही कमला पत्र भी लेते हैं और इंट्रैक्शन वाले भी लेते हैं। बच्चे से जैसे ही पूछते हो कि इनके बीच में क्या है, तो कहेंगे इनके बीच में तो कोई संख्या नहीं है। फिर आप लिख दे कि 0.04 और 0.06 के बीच में कितनी संख्या है, तो बच्चा तुरंत उत्तर देगा कि कौन सी है, तो लिख दीजिएगा। जब तक उसके दिमाग में नया स्कीमा नहीं बनेगा कि ये कॉन्टिन्यूम के अंदर है और उसके असंख्य जो है संख्या बीच में हो सकती है, वेदर इट इज डेसिमल नंबर्स और फ्रैक्शंस, उसमें असंख्य पॉसिबिलिटीज है, तो वो धीरे धीरे यहां से और यहां तक पहुंचेगा, एकदम से नहीं पहुंचेगा। आप यहां अगर कह देंगे कि इनफाइनाइट नंबर है बेटा ये याद कर ले, तो आप उसको नहीं समझ में आ रहा है कि इनफाइनाइट क्यों है, क्योंकि उसने सबसे पहले नेचुरल नंबर सीखे भाई, उसने नेचुरल नंबर सीखते हैं, तो आपने कहा एक है एक के बाद दो है दो के बाद तीन है और तीन के बाद चार है, ये तो सिखाई। अब आप उल्टी बात कर रहे हैं उसके साथ कि बेटा एक के बाद दो नहीं है, लड़के है एक के बाद 1.1 है, अच्छा 1.11 है, है और ये इनफाइनाइट है, फिर 1.01 भी है, 1.001 भी है। अब वो उसको उस क्लास में समझ नहीं आ रहा है कि पहला हॉस्पिटल बोला था, पहले तो आप डिस्क्रीट यूनिट कह रहे हैं कि नंबर्स आर डिस्क्रीट यूनिट एंड देयर इज नथिंग इन बिटवीन, 1, 2, 3 चीजें की बात है, 1, 2, 3 अगर आपको पीछे से पूछ ले अगर जी ठीक आपकी बात है, यो तो 1 है यो 2 है के बाद बीच में 3 है, तो फिर आप कुछ कहीं कर सकते हो क्या, तोड़ना पड़ेगा कि ये डिस्क्रीट प्योर डिस्क्रीट एंटिटीज हैं, कंटिन्यूम नहीं है इनके बीच में, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं जो हाइपोथेटिकल है पूरी तरह से, और उनके बीच में हम जितने लॉजिक के लिए उतनी चीज दिखाई जा सकती है। क्या कह रहा हूं मैं कि मान लीजिए इस एक ओल्ड स्कीमा को हमने स्कीमा ए कहा और आपने जो पढ़ा है उसको स्कीमा जेड कहा, तो ए से जेड तक इन्यूमरेबल स्कीमा या सब स्कीमा कह लीजिए, सब पैटर्न्स कह लीजिए, वो बनेंगे तो क्लैरिटी होगी। लेकिन क्या कक्षा कक्ष के अंदर हम ऐसा कर रहे हैं, मैंने कल परसों ने क्वेश्चन बना के डाल दिया इसी बात को, याद है डू नॉट बी बट बी, किस किसने पढ़ा था वो, इसी लॉजिक में था, उसका पूरा स्कीमा नहीं टूट रहा है तो क्या कर रहा है, गलत उत्तर दे रहा है, गलत उत्तर पे आप क्या कर रहे हैं उसको स्टॉप करते हैं और बताते हैं गलत है ठीक उत्तर ये। अब वो बच्चा उस नए स्कीमा को बना रहा है, उसका इस स्कीमा से कोई लेने देना नहीं टूट रहा है, वो बात न्यारी थी या बात न्यारी है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होगा जिंदगी के अंदर जब इन चीजों से रूबरू होगा अपन कंफ्यूज व्यक्तित्व बनेगा, उसको ये भी परेशान करेगा क्योंकि ये भी पढ़ाया था और ये भी पढ़ाया, तो टीचर को बच्चे को क्रिएटिवली सोचने के लिए मजबूर करना पड़ेगा, जिसमें जितने डब्ल्यू फैमिली के क्वेश्चन थे सभी पूछे जा सकते और पीयर के बीच में डिस्कशन हो, जो ये कहते समझ गए वो अपने लॉजिक से और वो अपने लॉजिक से, जब आप कह रहे हैं एक समूह का उत्तर ये सही है बेटे और एक बच्चा कह रहे हैं ये नहीं हो सकता जी, तो कहेंगे बता अकील का चल गलत पूरा गया तेरा सही पूरा गया, और क्या फर्क है इसके पीछे और क्या और भी संभावना है तेरा सही और किसी का भी हो सकता है, उनको माता अच्छी करके देना पड़ेगा, अगर माता अच्छी करके वो सही बात पे नहीं पहुंचे इसमें एकोमोडेट नहीं किया नई लर्निंग को, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, दूसरी कैसी अब सीमा होगी सेम नॉलेज हो जाएगी तो कंफ्यूजन पैदा होगी और बच्चा भविष्य में फैलेगा और जितने ज्यादा होंगे कंफ्यूजन उतना ज्यादा होगा। तो आपको बता शिक्षक आपको टीचर्स को ये कारण देना है कि क्यों बच्चे को बदलू करते वाई वेयर हाउ कितने भी प्रश्न बन सकते हैं, क्यों उस पर समय लगाना जरूरी है कि यदि आपने एक बार ये समय लगा दिया तो जिंदगी भर दोबारा किसी और को रिवीजन कराने की जरूरत नहीं है, उसने आपने स्कीमा को एडजस्ट कर दिया तो अब आराम से वो एक ही सत्ता में विश्वास करेगा, या तो विज्ञान की सत्ता में है धर्म की सत्ता में, मिक्स नदी धर्म की सत्ता में घुसा रहे हैं
शिक्षक या वैज्ञानिक विज्ञान की सत्ता में गुजारे हैं, हम कंफ्यूज हैं, हम कभी कभी डर के हैरान हुए हैं, तो कभी कभी जब कोई डर नहीं होता तो कहते हैं सब कुछ नए भगवान बन गए। जितने मेरे जैसे नास्तिक थे सो कॉल्ड लोग सिर्फ दिखाने वाले वो जो फंसे हैं कि कुरान का इनाम दे ये राम जी की क्या बता दे। ये कारण क्या है? डुअलिज्म है, उस कीमत किसी ने कुछ नहीं दी होगी, वो दोनों पड़े। तो मैं इस बात पर उसपे बात की और उससे हमने क्या चीज निकाली कि नंबर ऑफ एक्टिविटी जो है एक्सपोजर बढ़ाने पड़ेंगे, नंबर एक बात की। दूसरा हमने कहा कि प्रोसेसिंग स्लो होगी ही होगी, कारण है कि उसकी माइलेज शीट कंप्लीट नहीं, सिलेक्शन कंप्लीट नहीं है, तो डोंट एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू डू द थिंग्स एग्जैक्टली हाउ यू वांट, लेट देम मेक मिस्टेक्स, लेट देम लर्न। और व्हेन यू टॉक अबाउट मेकिंग मिस्टेक, थर्ड पॉइंट कम्स कि ए से बी जरूरी नहीं, बनने दीजिए और वो पॉसिबिलिटीज में आपको याद दिला दूं, वही है जो गलत आंसर है इस और इसके बीच। ये गलत आंसर देना बच्चे को जरूरी है, गलत आंसर के ऊपर बच्चे की चर्चा जरूरी है, अगर ये नहीं करेंगे तो ओल्ड स्कीम कभी नहीं टूटेंगे। तो ये साइकोलॉजिस्ट क्यों लिख रहे हैं कि बच्चा जब लर्न करता है लैंग्वेज या कोई भी चीज तो गलती करे तो एकदम से उसको गलत ना करे, उसके कारणों पर विवेचना करने का अवसर दे और खूब सारा उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपके काम आने वाला ज्यादा नहीं। हम पहले भी चर्चा करते हैं, लंबी चर्चा नहीं करके मैं वापस लौटता हूँ, आप कहेंगे बार बार प्याजे कि जो हालांकि इसके दो व्यूज बता देता हूं। एक व्यू तो ये कहता है कि बच्चे जो है स्टेजेस में होते हैं, बच्चे जो है उसकी आयु उसकी उसका विकास जो है वो डिस्क्रीट स्टेजेस में है, यानी जैसे प्याजे साहब कहते हैं कि आप जब इन बच्चों की बात करेंगे 0 से 2 वर्ष के बच्चों की तो वो एक खास स्टेज के अंदर है, सेंसरी मोटर स्टेज। यानी बच्चा अपने विकास क्रम में प्रारंभिक दिनों के अंदर उसका ब्रेन एक्टिव होता जा रहा है और उसकी मसल्स यानी फिजिकल जो उसके ऑर्गन्स हैं वो भी परिपक्व होते जा रहे हैं, किंतु एक्शन करने के लिए कार्य करने के लिए अकेला ब्रेन काम नहीं करेगा, अकेले आपकी पेशियां काम नहीं करेंगी, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन चाहिए। यानी जो अभी मैंने कहा था कि क्या एक छोटा बच्चा ध्यान दिया क्या, मैं अभी छोटे बच्चे से रूबरू होता हूँ, मैं ध्यान दे रहा हूँ किसी चीज पे पढ़े की चीजों को आने का, उसको बच्चा कितनी देर काटता रहे वो बुझाता नहीं। तो मैं ये पीड़ा भी हो रही थी कि एक बच्चे कम से कम आधा घंटा बुलाना पड़ता है वो सहन कैसे करता है, उसकी तो ठीक आएगी वो कुछ नहीं कर रहा है वैसे ही रहता है। तो क्या एक तो ये हो सकता है उसकी संवेदना ही चुनने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि चीजें इरिटेट करने वाली थे, इवन आपको कोई लाइट कोई टिक या कोई इंसेक्ट कोई भी
अगर आपको काटता है तो उसके क्योंकि सलाइवा के अंदर ऐसा केमिकल है जो कि ब्लड को कोएगुलेट होने से रोकता है हिपेरिन, क्योंकि उसको तुम जब खून पीना हो तो आपको प्यार तो आया नहीं कि बस यूं करके चला जाना था बिल्कुल, वो अपना काम कर रहा है भाई, उसको छेद कर रहा है, छेद करके उसमें से उसको कुछ खाना चाहिए, वो प्रकृति ने ऐसा बना दिया कि वो हवा लगते ही जम जाएगा, वो मच्छर इतना सा है, मच्छर इतना सा है, उसका प्रदूषित जो है सूंड जिसमें चूस है वो चूस यंत्र है, वो कितना बीड़ा होगा तो कितना भी नहीं होगा, उतने कीड़े के भीतर का उसने लिक्विड खींचना था, लेकिन प्रकृति ने क्या किया, हवा लगते ही इतना का ढक दिया उसका पानी पानी का स्वाद देते हैं, बाकी वो जो मजेदार चीज थी वो रह गई, तो उसको भी प्रकृति ने कुछ दिया, उसको क्या दिया, उसके सलाइवा उसके लार में ऐसा केमिकल दे दिया बेटे जितनी तू बैठा रहेगा तो उसके दावे ही नहीं जमेगा पूरी हिपेरिन, लेकिन हिपेरिन का साइड इफेक्ट क्या है कि जिस भी जान प्रकृति हर चीज को बैलेंस करके चलती है, कि इसका मतलब ये लिक्विड पिशन चूस दिए ये मेरा तो कि इसको बचा रहा है प्रकृति ने मैंने क्या करता है बेस केमिकल मनी चीज मिला दी कि जैसे ही उसके शरीर में छोड़ेगा इसके कुछ उसकी पूजा मांगेगी कि तेरे भी इतनी देर पा जाएगा देख लिए फिर बात करेगा कम हर कर दे बैलेंस कर लिया इस समय बच्चा इसलिए कुछ नहीं कर रहा उसको फील होता है लेकिन क्योंकि उसके ब्रेन और उसकी मसल्स के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो उस जगह पे जाके उस इरिटेशन को मिटाने का कुछ नहीं कर सकता। छोटे बच्चों को जब आप लिखना सिखाते हैं तो आप तुम्हारे घर में खड़े भी आते क्यों तो लिखना सिखाते हैं कैसे सिखाते थे ताकि वो क्या करें वो इसके ऊपर से हाथ फेरे वो क्या करता है क्यों कर रहा है कुछ नहीं कर रहा है वो चाह तो वही रहा है लेकिन इसके ऊपर पूरी पकड़ नहीं है इसकी तो वो उसके बताए अनुसार चल नहीं रहा एग्जैक्टली कहीं कहीं से तोड़ रहा हूं यानी इनमें और इनमें जो सेंसरी क्रियाएं हैं और जो मोटर क्रियाएं हैं इनमें तालमेल संभव नहीं है बहुत सारे कारण इसलिए इस स्टेज के अंदर बच्चा इनसे ऊपर कुछ नहीं कर सकता केवल अपने आप को दो साल तक जो है इसी चीज में ट्रेन करता है छोटा बच्चा हवा में कुछ पकड़ता है हाथ क्यों करता है चाहे तो अपने हाथ में कर रहा है लेकिन उसका हाथ में यू निकल रहा है तो यू क्योंकि वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है दोनों हाथों में आप खाने पीने की चीज पकड़ाते हैं कभी यहाँ से हाथ जा रहा है फंस गया तो यहाँ से फंस गया वो क्या रहा है कि उसका जो तंत्रिका तंत्र है वो आदेश तो दे रहा है उसकी पेशियों को लेकिन पूरी तरह से वो पेशियां ट्रेन नहीं है इसलिए वो सही जगह पे नहीं जा पा तो दो साल तक का बच्चा इस स्टेज में इसके ऊपर की कोई चीज कोई प्रोसेस कोई ऑपरेशंस संक्रियाएं नहीं कर सकता दूसरी स्टेज वो कहता है कि ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है इस पर लंबी चर्चा हो सकती है इस शब्द पे लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं इसको पढ़ लीजिएगा साइकोलॉजी वाले तो अभी से जानते हैं बाकी लोग इसको देखिएगा कि ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर ऑपरेशन का मतलब क्या है इस पर काफी लंबी चर्चा कर रही है तो मैं उसमें नहीं कर रहा हूं प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसको ये ऑपरेशन कह रहा है सामान्यतः क्या है कि जिसके अंदर मैथमेटिकल एल्गोरिदम या कोई कोई ऐसी चीज जो कि दिमाग में सोच के करनी थी उसके सामने ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली जैसे 52 का आधा कितना होगा वो इस ऑपरेशन को नहीं कर रहा वो उनका 52 का क्या एक कितना होगा वो नहीं कर रहा वो ये कह रहा है कि इस साइड पर ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है ये है आपकी 2 से 6 मंथ की कई जगह 7 के लिए मिल जाएगा 2 से 6 प्लस की जो एज है इसके अंदर इस तरह की कोई चीज नहीं कर सकता और यहां से क्या खास बात होने से आती है कि जो आजकल तरफ की तरफ प्ले स्कूल चल पड़े हैं जिनमें भी आप भी जानते हैं कि एबीसीडी तो सिखा दो एबीसीडी किससे और कह रहे हैं आंगनवाड़ी वाले से भी कह रहे हैं क्या है तू गिनती से सिखा इसके फलाना छोरा प्राइवेट में जा रहा हूं तो तू गिनती सिखा दे वो सिखा रही है लेकिन वो एक्चुअली जो है लर्निंग नहीं पैरेंटिंग हो रही है
क्या होगी ये पैरेंटल। क्यों फर्क है? पैरेंट जिस तरह से सुने हुए को रिप्रोड्यूस कर देता है उसकी जिह्वा की संरचना के कारण। जब पैरेंट राम राम कह रहा है तो असल में उसके अंदर वो श्रद्धा पैदा नहीं होती जब हम राम का नाम लेते, यानी राम के जो जो ध्वनि संकेत उसको ये ऐसे मिलता है, राम जैसी ध्वनि होती है, उसके दिमाग में कोई सीता का कंसेप्ट, रावण का कंसेप्ट, दशरथ का कुछ नहीं आता है। इट इज जस्ट अनदर साउंड फॉर जैसे क्वैक की साउंड है। उसको राम के बजाय आप रावण रावण कह देंगे तो भी अगर उसका जीवा का स्ट्रक्चर ऐसा है तो वो उतनी ही खुशी से, आप तोते पर खास खुशी होती है जब आप उसको बोलते हैं ना बोल, तो वो ये कर रहा है कि जैसा ये कह रहा है मेरे से चाह रहा है, मैंने वैसा कह दिया, बड़ा खुश होके राम 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 राम, आपने देखा होगा स्पीकिंग वर्ड्स को। वो रावण भी उतने ही उल्लास के साथ कहेगा, उन्हें नहीं कहेगा रावण क्योंकि उसका इमोशनली कोई कनेक्शन नहीं है ना अंडरस्टैंडिंग है। This is what I am calling as parenting. तो अगर आपका बच्चा अभी ऐसे किसी विद्यालय में है जहां आपको बहुत खुशी मिल रही है, ये सुन करके आपके बच्चे ने ABCD और 1 2 3 4 याद कर लिए हैं, तो I'm sorry, आप खतरे में डाल रहे हैं, खतरे में डाल रहे हैं। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि कितनी इंफॉर्मेशन एक साथ कैसे कर सकता है, इसके लिए तो ये जरूर समझाए। जो अभी नई शिक्षा नीति के अंदर ECCE की बात हो रही है, इसमें ECCE में मुझे परेशानी नहीं है। आखिरी ई में मैं इसको इस तरह से देखना चाहता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, ECCE है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो जोड़ रखा है, नहीं एजुकेशन खतरे वाली है, या फिर एजुकेशन को वाइड पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। एजुकेशन इज नॉट मियरली लर्निंग 1 2 3 4 और टेबल्स और व्हाटएवर, इट इज नॉट लिटरेसी, फिर कोई दिक्कत नहीं क्योंकि एजुकेशन दो स्टार्ट होते हैं बॉटम एंड गोज अप टू टॉप, ग्राम से कम तक जाता है। उस अगर प्रिपेक्ट में देखते हैं फिर कोई परेशानी नहीं, लेकिन इस प्रिपेक्ट में देखा नहीं जा रहा है, यानी ये खतरा क्या पैदा कर देगा कि 3 साल के बच्चे फंस जाएंगे। जिन देशों ने इसको समझ लिया है उन्होंने स्कूलिंग की एज को इतना कर लिया कि स्कूल में जाने के बाद खतरा नहीं है। बहुत सारे देशों में तो एज यही है या ये है, लेकिन कुछ अच्छे देशों के अंदर एंट्री एज 2 साल, 9 साल तक अपने सारे फैकल्टी डेवलप कर ले, कूद ले, सारे 9 साल के अपने लेकर क्या कंपटीशन होगा, आप बताइए। कभी इसका सोचा है कि 9 साल तक बाद देखेंगे, जब सब 9 साल के पढ़ेंगे तो सब 10वीं भी उससे हिसाब 19 साल के पढ़ने के बजाय 17 साल के, फिर तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिख दिए रहे तो क्या परेशानी है, बड़ा कोई टेंशन पता होगा, लेकिन नहीं, हम नीचे ला रहे हैं, नीचे ला रहे से जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो खतरे हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है। ग्रुप को लिया गया, उस एज में जिस बच्चे की कविता पढ़ने से तो कुछ होते हैं कि तू वो सुना दे इंटेलिजेंस का ऐसा, वो बच्चा बाकायदा किताब से पढ़ के सुना रहा है, उंगली लगा के पढ़ रहा है, पता चला कि इस पोइम का पता ही नहीं है क्या, क्योंकि उसकी ड्रिल में शामिल था कि योग पर न खोलना, उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी कार्ड में देखिए योग पर न खोलना इसकी चित्र है, और इस पे जब यह साउंड लगे दिख रहा है मेरा एक बच्चे ने सही और सुंदर बाई चांस शाबाशी उसके पास बैठ के पूछ लिया कि बेटे कर लिया था, तो मैंने वैसे ही कहा कि रिक्त स्थान भरोगे, रिक्त का मतलब क्या है,
और वो टीचर की तरफ देखा नहीं, तो पता नहीं बेटा तूने क्या कहा था। टीचर ने ये सबसे गलत है, इसी ने किया है। मैं तेरे साथ नहीं जाने दूंगा कुछ हूँ। जिसको रिक्त स्थान का, उसको भर देने का कोई आइडिया ही नहीं है कि भर कैसे रहा है। थोड़ा तेज बोले। जो मेरी बिटिया फिफ्थ में है तो वो सीडी देख रही थी लैपटॉप के ऊपर, तो उसका कुछ चैप्टर था। साथ में मेरा बेटा देख रहा था, 5 साल का था, तो नर्सरी में जाता है यूपी, तो उसको देख रहा। तो उसमें जो प्रश्न आए थे, मुस्कान आए, तो वो भर रही थी 7 साल, तो उसको देख रहा। उसने कहा मैं भी भरूँगा, मेरे को भी बताओ कैसे करना है। उसने कहा कि अपने उसको उठाना ऐसे रखना, तो आप यकीन नहीं करेंगे 25% में, 25 में से 23% उसने ठीक कर दिया। और मैंने दोबारा पीटीए से करवाया तो उससे 20 ठीक हुए।